जीचिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर मैरिटाइम स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए 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 मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। भारत के वीटो पावर को लेकर यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर से तहलका मच गया है। जैसे ही खबर आई कि भारत रूस को पीछे करते हुए तीसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बन गया है, ठीक वैसे ही भारत को तुरंत वीटो पावर देने का ऐलान हो गया है। G4 देशों में भारत ने जापान, जर्मनी और ब्राजील को पीछे करते हुए बवाल मचा दिया था, लेकिन अब तो तीसरा शक्तिशाली देश बनकर P5 के 3 देशों को पीछे कर चुका है। यूनाइटेड नेशन में पीएम मोदी के स्पीच के बाद भारत के वीटो के लिए नया बवंडर शुरू हो गया है। G4 देशों में जर्मनी के खिलाफ रूस खड़ा है, तो वहीं जापान के खिलाफ चीन खड़ा है और ब्राजील के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन खड़ा है। भारत एक ऐसा देश है जिसके पक्ष में चारों P5 देश आ चुके हैं और अब चीन ने भी पॉजिटिव बयान जारी करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। लेकिन अभी अभी जो बयान सामने आया है उसमें कहा गया है कि भारत को वीटो पावर देने के लिए तुरंत कागज पर काम करना शुरू होना चाहिए, अब बात करने का समय नहीं है। यानी यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर से भारत के लिए उलटफेर शुरू हो चुका है। तीसरा शक्तिशाली देश बनकर भारत ने अपनी ताकत की बदौलत वीटो पावर का सारा समीकरण बदल कर रख दिया है और यूनाइटेड नेशन में नया बवाल शुरू हो गया है। भारत को वीटो पावर देने के लिए 3 बड़े ऐलान हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले बड़े ऐलान के बारे में। लेकिन तीसरा ऐलान सबसे धमाकेदार है जो चीन ने किया है, इसलिए उसे बिल्कुल भी मिस ना करें। दरअसल एशिया पावर इंडेक्स 2024 में खुलासा हुआ है कि भारत एशिया में तीसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बन गया है और अब सिर्फ अमेरिका और चीन से ही पीछे है। इसी कारण वीटो पावर के लिए भारत की दावेदारी अचानक बढ़ गई है। इसके बाद वीडियो में आगे चीन का बयान सुनकर आप सभी उछल पड़ेंगे। इस वार्षिक रिपोर्ट में इकॉनमी, मिलिट्री, डिप्लोमेसी और अन्य क्षमताओं को आधार बनाकर एशिया के 27 देशों का मूल्यांकन किया गया है। लेकिन भारत ने अद्भुत तरीके से एशिया के दिग्गज देश जैसे कि रूस, जापान और दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ते हुए तहलका मचा दिया है। अब देखिए, रूस एक परमानेंट मेंबर है, भारत ने उसे भी पीछे कर दिया। इस बात पर आप सभी को ताली मारनी चाहिए क्योंकि इकोनॉमी के मामले में भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस को पहले ही पीछे कर चुका है। यानी कि कुल मिलाकर भारत ने 3 परमानेंट मेंबर को पीछे कर दिया है और ये सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले 6 सालों में एशिया में शक्ति संतुलन कैसे विकसित हुआ है, जिसमें रूस और जापान जैसे शक्तिशाली देशों से आगे निकलकर भारत के डेवलपमेंट को दिखाया गया है। अब ये हो चुका है कि एशिया में भारत के टारगेट पर सिर्फ चीन बचा है और चीन ने जो भारत के सामने घुटने टेके हैं उसकी कहानी और भी दिलचस्प है। लोवी इंस्टीट्यूट के विश्लेषण के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका एशिया में प्रभाव रखने के मामले में इस लिस्ट में टॉप पर मौजूद है। भले ही उसे चीन से कड़ी सैन्य प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन अगर आप अमेरिका को एशिया में नहीं माने तो फिर भारत एशिया का दूसरे सबसे बड़ा प्रभावी देश बन चुका है। हालांकि चीन की शक्ति हालांकि काफी बढ़ चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी शक्ति स्थिर हो गई है क्योंकि अब उसकी आर्थिक वृद्धि उतनी तेज नहीं हो रही है जितना कि कुछ विश्लेषकों ने अनुमान लगाया था। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि पश्चिमी देशों ने चीन को ठोकना शुरू कर दिया है और भारत पर भरोसा जताया है और इस तरह से भारत के गोल्डन एज की शुरुआत हो चुकी है। भारत का तीसरे स्थान पर पहुंचना एक महत्वपूर्ण बदलाव है जिसने समग्र शक्ति के मामले में पहली बार रूस, जापान को पीछे छोड़ दिया है। ये उपलब्धि भारत के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करती है और वीटो पावर के लिए दुनिया में तीसरा सबसे प्रबल दावेदार बनाता है। आइए अब जानते हैं कि भारत को वीटो पावर देने के लिए दूसरा सबसे बड़ा ऐलान कौन सा हुआ है। तो देखिए, भारत को वीटो पावर देने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री ने पहली बार अपना रौद्र रूप दिखाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका हमेशा से चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC में बदलाव हो और भारत जैसे देशों को परमानेंट सीट दी जाए। ब्लिंकन ने यह भी बताया कि अमेरिका लंबे समय से भारत, जापान और जर्मनी के लिए UNSC में स्थायी सीटों का समर्थन कर रहा है, लेकिन सबको पता है कि इन सभी में भारत सबसे प्रबल दावेदार बन गया है। इसलिए उन्होंने आगे कहा है कि अमेरिका का मानना है कि इस बदलाव से दुनिया की मौजूदा और आने वाली चुनौतियों का सही से सामना किया जा सकेगा। इस तरह से उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि अगर भारत को वीटो पावर नहीं मिलती है तो यूनाइटेड नेशन का अस्तित्व नहीं रहेगा।
क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशन दुनिया की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएगा तो फिर अंत में वो खुद नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूएनएससी में ऑन पेपर सुधार पर जल्द से जल्द बातचीत शुरू करने के पक्ष में है ताकि ये संस्था आज की और भविष्य की हकीकत को सही तरह से दर्शा सके। ये बयान देकर उन्होंने वाकई में भारत की वीटो पावर के लिए बवाल खड़ा कर दिया है। जिस प्रकार भारत तीसरा शक्तिशाली देश बन गया है और अब अमेरिकी विदेश मंत्री ने बवाली बयान दिया है, उसे देखते हुए चीन पर जबरदस्त दबाव बन गया है। चीन अब तक भारत को बेहद हल्के में ले रहा था और वीटो पावर देने से साफ इनकार कर रहा था, लेकिन अब वो लाइन पर आ चुका है क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि भारत की ट्रेन खुल चुकी है और उस पर जल्द से जल्द सवार होने में ही बुद्धिमानी है। अगर समय रहते चीन ने भारत से दोस्ती नहीं बढ़ाया और वीटो पावर नहीं दिया तो फिर भारत और अमेरिका मिलकर एशिया में उसे भिखारी बनाकर छोड़ेंगे। आगे जानेंगे कि चीन ने भारत के आगे कैसे घुटने टेक दिए हैं। लेकिन इसी क्रम में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भारत को अपना दोस्त और अहम पार्टनर बताया है। उन्होंने कहा कि जब भी भारत को सीमा पर किसी संघर्ष का सामना करना पड़ा, अमेरिका हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है। गारसेटी ने कहा कि भारत और अमेरिका एक जैसे सिद्धांतों को मानते हैं, खासकर सीमा सुरक्षा और कानून का सम्मान करने में। उन्होंने बताया कि अमेरिका 1952 से मैकमोहन लाइन को मान्यता देता है जो चीन और भारत के बीच में बनाई गई है। इसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है जबकि चीन इस लाइन को नहीं मानता। उन्होंने ये बयान देकर रूस और चीन दोनों को मैसेज भेजा है। उन्होंने चीन को बताया है कि भारत को अकेले मत समझना और रूस को बताया है कि भारत अब दुनिया में चीन से भी ज्यादा ताकतवर बन गया है, इसलिए भविष्य में रूस के लिए चीन से ज्यादा भारत ही काम आने वाला है। अब आइए समझते हैं कि भारत को वीटो पावर देने के लिए चीन तैयार होता कैसे दिख रहा है। तो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि चीन का ये स्टेटमेंट पूरे एशिया ही नहीं बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। चाइनीज एम्बेसडर शू हाइफोंग ने कहा है कि चीन भारत की ओर कंपनियों को स्वागत करने के लिए तैयार है ताकि वो चीन के मार्केट में एंट्री कर सकें। यानी कि चीन ने भारत के सभी कंपनियों के लिए अपना दरवाजा खोल दिया है और धूप अगरबत्ती के साथ स्वागत करने को तैयार है। चीन ने बयान तब दिया है जब कुछ ही दिन पहले उसने अपने हजारों सैनिकों को बॉर्डर से काफी पीछे हटा लिया है। यानी कि आप इस पूरे घटनाक्रम की टाइमिंग को समझिए। चीन भारत से दोस्ती बढ़ाने के लिए डेस्परेट हो चुका है और वीटो पावर लेने के लिए इससे अच्छा मौका कोई और हो ही नहीं सकता। हाल ही में अपने अपने चैनल पर एक वीडियो में चीन द्वारा भारत को वीटो पावर देने के 5 बड़े कारण बताए हैं, आप उसे जरूर देख लें। चीन को साफ लग रहा है कि भारत जल्द ही $5 ट्रिलियन GDP के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी बनने जा रहा है। इसी कारण चीन भारत से रिश्ते सुधारने के लिए पागल हो चुका है। साथ ही चीन के राजदूत ने उम्मीद जताई है कि भारत भी चीनी कंपनियों के लिए एक साउंड बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। इवेंट में बोलते हुए शू ने कहा कि चीन चाहता है कि भारत जल्द से जल्द डायरेक्ट फ्लाइट्स और वीजा को फिर से शुरू करे ताकि चीनी नागरिक भारत आ सकें। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।